दोस्तों, भगवान है या नहीं, ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। हमारे धर्म और शास्त्रों में भगवान के होने के कई सबूत हैं, लेकिन इस संसार में भगवान को ना मानने वालों की भी कमी नहीं है, जो भगवान के अस्तित्व को ही मानने से मना कर देते हैं। वहीं अगर हम आध्यात्म की बात करें तो भगवान हैं, और वहीं विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन दोस्तों, समय समय पर कुछ ऐसे सबूत वैज्ञानिकों को मिलते रहते हैं जो गीता और रामायण में लिखी घटनाओं को सच साबित करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान के होने के जिंदा सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। नंबर वन, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है, और महाभारत में ये जानकारी मिलती है कि ये नगरी पानी में डूब गई थी। पुरातत्व विभाग के अनुसार गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और सबूतों से ये पता चलता है कि ये द्वारका नगरी है जिसके राजा भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। नंबर टू, हनुमान जी के होने के सबूत। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी आज भी जीवित हैं और धरती पर मौजूद हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी देवताओं के स्वर्ग जाने की कहानियां देखी और सुनी जा सकती हैं, लेकिन हनुमान जी की नहीं। और आपको बता दें कि कुछ महान लोग भी उनके दर्शन कर चुके हैं, जिनमें तुलसीदास और स्वामी रामदास भी शामिल हैं। हनुमान जी में आस्था रखने वाले लोगों का अटूट विश्वास है कि भगवान हनुमान जी वहां जरूर आते हैं जहां उनके भक्त उन्हें सच्चे दिल से बुलाते हैं। नंबर थ्री, रावण का महल। दोस्तों, रावण के महल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, और आज ये भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। आपको बता दें कि आज भी रावण के महल के कुछ अवशेष मौजूद हैं, जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि बाकी जगह की मिट्टी का रंग वैसा ही है। और ये महल ये साबित करता है कि अगर रावण का महल था तो भगवान श्री राम भी जरूर थे। नंबर फोर, श्री राम जी के होने के सबूत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हर कोई रामचरितमानस को पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं और सुनते हैं। भगवान राम जी के होने का सबसे बड़ा सबूत रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान श्री राम की पूरी जानकारी लिखी है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। वैज्ञानिकों को रामायण में वर्णित कई घटनाओं और स्थानों के सबूत मिले हैं, जो ये सिद्ध करता है कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि सच है। अगर रामायण असल है तो भगवान श्री राम भी तो हैं। नंबर फाइव, श्री कृष्ण जी के होने के सबूत। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, और इनकी महाभारत युद्ध में एक अहम भूमिका थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने संपूर्ण विवरण के साथ ये लिखा था। वहीं वैज्ञानिकों को रामायण में वर्णित कई घटनाओं के सबूत मिले हैं, जो इसे सच को मानने पर मजबूर करते हैं। नंबर सिक्स, भगवान शिव जी के होने के सबूत। दोस्तों, देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान शिव जी के कई चमत्कारी मंदिर हैं, जिनके बारे में जानकर आपको विश्वास नहीं होगा, जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। उन्हीं में से एक है अमरनाथ शिवलिंग। भगवान शिव जी का बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ में खुद ही बनता है, जिसकी आकृति असली शिवलिंग जैसी होती है। इससे साबित होता है कि भगवान शिव आज भी मौजूद हैं और शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। नंबर सेवन, राम सेतु। आप सभी ने रामायण में राम सेतु के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे भगवान श्री राम ने स्वयं बनाया था। इस राम सेतु पुल का निर्माण भगवान राम ने समुद्र पार करने के लिए किया था, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पुल जो पत्थरों से बनी एक श्रृंखला पर बना हुआ है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भगवान हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा दें।
ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।